साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। यूएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का बयान, बोले बीजेपी ने पिछड़ों से धोखा किया है, विरोध करोगे तो सरकार जेल में डाल देगी। पत्नी के फोन पर बात करने पर गला दबाकर हत्या, कमरे में बदबू आने पर पता चला सिर चेहरा और गले पर मिले चोट के निशान। यमुना एक्सप्रेसवे पर नौनी हिल झील में बनेगा ट्रामा सेंटर, सीएम योगी ने दी है स्वीकृति, हादसों को देखते हुए विधायक ने की थी मांग। बीबीएयू के यूनिवर्सिटी डे पर बवाल, एलएलबी की छात्रा से छेड़छाड़ के बाद स्टूडेंट ने किया कुलपति आवास का घेराव। एमडीए ने ध्वस्त की है ग्रीन बेल्ट में बनी 12 दुकानें, कार्ट रोड पर अकबर किले के दिल्ली रोड तक बन रहे हैं मास्टर प्लान, रोड में आड़े आ रही हैं। रायबरेली में 12 लोगों को डंपर ने कुचला है, 4 की मौत, चाय की दुकान को तोड़ते हुए नहर में गिरा। आगरा कानपुर हाईवे पर 6 गाड़ियां टकराई। उन्नाव हादसे में घायल 5वें यात्री की भी मौत हो गई, 6 का जिला अस्पताल में चल रहा था इलाज, एक्सप्रेसवे पर डीसीएम से टकरा गई थी बस। बरेली में पुलिस ने वसूली करने वाला अरेस्ट किया, ऑडियो के आधार पर डीआईजी ने दर्ज कराया था शेरगढ़ थाने में मुकदमा। महुआ में चौकी पर विशेष समुदाय का प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर युवती के अवैध टिप्पणी करने पर जताई नाराजगी। अमरोहा में हुआ इन्वेस्टर समिट का आयोजन, 38 कंपनियों के निवेशकों ने किया है प्रतिभाग, 2297 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का दिया प्रस्ताव। विद्यालयों को 16 तक बंद करने का लिखा पत्र, कर्मचारी महामंत्री बोले शीतलहर को देखते हुए फरवरी में कराई जाए प्री बोर्ड परीक्षा। मुरादाबाद में मेडिकल छात्र से रेप, टीएमयू हॉस्पिटल के डॉक्टर पर आरोप, लड़की के मंगेतर को भी भेजी असली तस्वीरें। बहराइच में प्राइमरी स्कूल के पीछे 6 जुआरी दबोचे गए, पुलिस ने छापेमारी करते हुए पकड़ा, 10,000 की इनाम भी बरामद। चंदौली के एसपी ने लाठी बास दरोगा को किया है लाइन हाजिर, प्रमासपा के प्रदेश अध्यक्ष को खुलेआम पिटाई का मामला। लखनऊ में वकीलों से मारपीट में 2 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर, 9 घंटे जाम लगाने पर 300 वकीलों पर पुलिस ने दर्ज कराया केस। बहराइच में पुलिस टीम ने नष्ट कराया 6 क्विंटल लहन, नदी के किनारे बन रही थी अवैध शराब, छापेमारी में बरामद हुआ जखीरा। सुल्तानपुर में गौवंश आश्रय स्थल में ठंड से 3 गौवंशों की मौत, 2 दिन से पड़े हैं गौवंशों के शव, खुले में रखे गए हैं गौवंश। सलोनी बॉर्डर का कस्टम कमिश्नर लखनऊ ने किया है दौरा, आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए दिया पर गया है जोर, नेपाल के अधिकारियों के साथ भी हुई है बैठक। 3 निरीक्षकों समेत 7 उपनिरीक्षकों के तबादले, अमरोहा एसपी ने देर रात जारी किया आदेश। किसानों ने बिलाई मिल के जीएम को बनाया बंधक, गन्ना भुगतान नहीं होने से थे नाराज, सोमवार से जारी है धरना प्रदर्शन।
भदोही में ट्रेन की चपेट में आकर किशोर की मौत। खेत पर जाने के लिए पार कर रहा था रेलवे ट्रैक। मुंबई में रहकर करता था पढ़ाई। इटावा में कई वाहन आपस में भिड़े, 6 घायल। खनन अधिकारी की लापरवाही के चलते हुआ हादसा। चेकिंग के चलते ट्रक चालक लगे भागने। बाराबंकी में ट्रक में लगी भीषण आग। लकड़ी लादकर लखनऊ जा रहा था ट्रक, टायर जाम होने के चलते हुआ हादसा। बहराइच में हाथी ने युवक को पैरों तले रौंदा, मौके पर मौत। खेत की रखवाली कर रहे थे दो दोस्त, दोनों को दौड़ाया, एक ने भागकर जान बचाई। फिरोजाबाद में 9 अपराधी, 6 माह के लिए जिला बदर। रसूलपुर टुंडा के 3-3, मठसेना से 2 और थाना रामगढ़ से 1 अभियुक्त पर कार्रवाई। अलीगढ़ में लुटेरों के हौसले बुलंद, कार में बैठी दंपत्ति को 3 अज्ञात लुटेरों ने लूटा। तमंचे व चाकू के बल पर की लुटेरों की वारदात को अंजाम, लाखों की लूट। बुलंदशहर में बचपन बचाओ आंदोलन के तहत 4 नाबालिग बच्चों को कराया गया मुक्त। होटल और ढाबों पर मजदूरी कर रहे थे मासूम। कानपुर में दिन दहाड़े मोबाइल की दुकान से नोटों की गड्डी उठा ले गया चोर। छाती चोर की चोरी की घटना कैमरे में हुई कैद। बुलंदशहर में NH91 पर अज्ञात वाहन ने अज्ञात व्यक्ति को कुचला है। हादसे में मौके पर युवक की हुई है मौत। मृतक की शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 48 घंटे के लिए कोल्ड डे का अलर्ट। कानपुर में मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी। अलीगढ़ में 4.25 करोड़ की बिजली विभाग को लगी है चपत। भीषण ठंडी में भयंकर रूप से बढ़ा है जिले के बिजली का लोड। अमरोहा में शिक्षक विधायक कर रहे हैं जीत का दावा। बीजेपी प्रत्याशी रिकॉर्ड तोड़ मतों से हारे। अलीगढ़ में जिला प्रशासन के चावल के गोदामों पर की है छापेमारी। 2 गोदामों से करीब 400 बोरे चावल व गाड़ियां बरामद। औरैया में तेज कोहरे की व सर्दी के चलते जिला प्रशासन दिखा रहा है मुस्तैदी। जनपद में जगह जगह जलाए जा रहे हैं अलाव। बदायूं में दिन दहाड़े हुई फायरिंग से शहर में दहशत का माहौल है। फायरिंग कर हमलावर मौके से हुए फरार, मौके पर पहुंची पुलिस। अलीगढ़ में SBI के उच्च अधिकारियों से परेशान जन सेवा केंद्र संचालकों ने किया है हल्ला बोल प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। गन्ने के भुगतान और सरकार द्वारा गन्ने का मूल घोषित करने की मांग को लेकर भाकियों ने धरना प्रदर्शन किया है। गन्ना अधिकारी पर लगाया आरोप। गाजियाबाद में ऑटो चालक की मौत पर पुलिस का एक्शन, लापरवाही बरतने वाले चौकी प्रभारी को किया गया सस्पेंड। गोंडा में भाजपा नेता का पलटवार, भाजपा नेता अशोक सिंह चेयरमैन प्रतिनिधि को जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। गाजियाबाद में स्टंट करने वाले 3 लड़के गिरफ्तार, खिड़कियों पर लटक कर दौड़ाई थी इको स्पोर्ट। हरदोई में 13,000 से ज्यादा मुर्दे ले रहे पेंशन, खुलासे के बाद 45,000 लोगों की पेंशन रोकी। सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के वकील ने पुलिस पर लगाया है आरोप,
वकील ने कहा उच्च न्यायालय आदेश का नहीं हो रहा है पालन। रायबरेली में जिला परिषद मार्केट की छत पर मिला है अधेड़ का शव। शव मिलने से मचा है हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में पुलिस को मिली है सफलता, पुलिस ने पकड़ा गौवंश से भरी डीसीएम, आरोपी चालक गिरफ्तार, तस्कर फरार। रायबरेली में जीएसटी टीम ने बछरावा में बोला धावा, कस्बे के व्यवसायियों में मचा हड़कंप, प्रतिष्ठानों के अभिलेखों की जांच शुरू। ₹15,485 करोड़ रुपए के निवेश की रखी आधारशिला, लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी 68 परियोजनाओं के बारे में दी जानकारी। सुल्तानपुर में पड़ रही ठंड से आम जनजीवन प्रभावित, प्रशासन की तरफ से सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की कोई भी व्यवस्था नहीं। लखनऊ बार एसोसिएशन व सेंट्रल बार एसोसिएशन संयुक्त प्रदर्शन टला, संयुक्त लखनऊ पुलिस ने 7 दिन का मांगा समय। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने पिता पुत्र को पीटा है, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पिता पुत्र को अस्पताल में कराया भर्ती। बुलंदशहर में भ्रष्टाचार को लेकर शिवसेना का हल्ला बोल, विभागों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सौंपा है ज्ञापन। कानपुर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएसए के 24वें दीक्षांत समारोह में की शिरकत, राज्यपाल ने मेघावियों को किया है सम्मानित। बुलंदशहर एआरटीओ मुंशीलाल गौतम ने हाईवे पर चलाया चेकिंग अभियान, चेकिंग अभियान से वाहन चालकों में मचा है हड़कंप। कानपुर में ऑटो और ट्रक में हुई है भीषण टक्कर, ऑटो में बैठी हुई कई सवारियां हुई घायल, ड्राइवर की मौके पर हुई मौत। बुलंदशहर में मिट्टी खोदते वक्त हुआ है हादसा, मिट्टी की ढाग में दबी महिलाएं, पुलिस ने रेस्क्यू कर 4 महिलाओं को निकाला बाहर, एक की मौत। लखनऊ में ड्राइवर कार का दरवाजा खोलने से 2 युवक हुए जख्मी, जख्मी युवक में से एक की हुई मौत और दूसरे की हालत स्थिर। बुलंदशहर के ब्रह्मानंद महाविद्यालय और ब्रह्मानंद पब्लिक स्कूल समेत 2 पेट्रोल पंप सील हुए हैं, बिना मानचित पास कराए चल रहे थे पेट्रोल पंप और स्कूल। लखनऊ में सिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन का वीडियो वायरल हुआ है, कव्वाली में पैसा लुटाते नजर आ रहे हैं सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। श्रावस्ती में डीएम नेहा प्रकाश ने सीएससी सिरसिया का किया औचक निरीक्षण, स्टाफ व वितरण का अपडेट ना होने पर संबंधितों को लगाई है फटकार। हमीरपुर में 26 वर्षीय युवक की हत्या से सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। हरदोई में बिजगवा की जांच में डीडीओ ने किया है खेल, बिना अभिलेखों के करोड़ों की जांच में प्रधान को दी क्लीन चिट। हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुआ है दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की हुई है मौत। आगरा में गैंगस्टर विनय छत्री का एनकाउंटर, पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था, 50,000 का इनामी को तड़के एसटीएफ ने किया ढेर। मेरठ पुलिस ने अपहरणकर्ता के 1500 पोस्टर शहर में लगवाए हैं, घर घर जाकर जुट रही है जानकारी, 4 जनवरी को हुआ था बच्ची का अपहरण।
पांच महीने से नहीं मिला वेतन। झांसी मेडिकल कॉलेज के नर्स वार्ड बॉय हड़ताल पर, डीएम ऑफिस के लिए पैदल निकले लोग। संत कबीर नगर में ई कोर्ट के सर्विस ऑफिस में लगी है आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। पत्नी ने प्रेमी से कराई पति की पिटाई। मेरठ में खून से लथपथ युवक पहुंचा थाने, कहा बीबी ने बीबी के यार से पिटवाया। फरखाबाद में रेलवे रोड पर अतिक्रमण, दुकानदारों को दी चेतावनी, छह दुकानदारों को कराया गया खाली। सिद्धार्थनगर एसपी ने लिया है सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, बोले समस्याओं का समाधान करें अधिकारी, आपस में सौहार्द बनाए रखने की अपील। जलौन में किसानों ने फांसी लगाकर किया है सुसाइड, रस्सी के सहारे लटकता मिला शव, पत्नी बच्चों के साथ मायके गई थी। विंध्याचल के सीएससी में अवैध स्टैंड चलाने वाला गिरफ्तार, यात्रियों को रोककर जबरन खड़ा करता था वाहन, केंद्रीय प्रभारी ने की थी शिकायत। शाहजहांपुर में अफीम तस्कर गिरफ्तार, 50 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत, आरोपी पर पहले से ही दर्ज है 9 मुकदमे। बुलंदशहर अगवा किशोरी की बरामदगी को किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, किशोरी को बरामद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी। चंदौली की घूसखोर इंस्पेक्टर संतोष श्रीवास्तव जांच में निकले दोषी, एएसपी ने 50 पन्नों की रिपोर्ट एसपी को सौंपी, हो सकते हैं बर्खास्त। शाहजहांपुर में करंट लगने से 4 गौवंशों की मौत, रास्ते में बैठी थी जर्जर 11,000 वोल्टेज का तार टूटकर गिर गया। मऊ सड़क हादसे में आरपीएफ कांस्टेबल की मौत पर इंदारा जंक्शन पर थे तैनात, तेज रफ्तार वाहन ने मारी थी टक्कर। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो